ओम शांति। आज सभी बैठे हैं व्यसन मुक्त के लिए। बहुत बड़ा टारगेट है ये, मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत। तो स्वामी सभी उपस्थित मंच पर आसीन दीदी जी और हमारे विधायक भाई साहब, अभी आज इस विद्यालय के परिचय के लिए किसी से पूछा जाता है कि आप इसके विषय में जानते हैं, तो कहते हैं हाँ जानते हैं, लेकिन कितना जानते हैं। या तो कोई कहता है ओम शांति वाले, या फिर बोलते हैं शिवानी बहन को सुनते हैं, सूरज भाई साहब को सुनते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बारे में बैनर भी लिखा होता है तो भी क्या पढ़ते हैं, प्रजापति ब्रह्म कुमारी। अच्छे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी। हम लोग बैनर बनवाने जाते हैं, खूब अच्छे से समझा कर आते हैं, लेकिन कुछ न कुछ गलत कर देते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय क्या कार्य कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा एक हमें एग्जाम्पल याद आता है कि जैसे एक बहुत सुंदर बगीचा था और उस बगीचे को लगाने वाला माली, उसने बहुत अच्छा लगाया लेकिन संभालने वालों को दे दिया। एक दिन जब माली ने देखा तो क्या कंडीशन देखी, वो बगीचा जंगल बन चुका था, सुंदर बगीचे से जंगल बन चुका था। फिर माली ने क्या किया, उसको देखकर उससे जो अच्छे अच्छे पौधे थे एक नर्सरी बनाकर लगाया और इसके बाद में उस बगीचे को पुनः सुंदर जंगल से सुंदर बगीचा बनाया। ऐसे ही ये आज संसार क्या बन गया है, यही संसार स्वर्ग था जो कि आज नरक बन गया। तो इस संसार का, इस सृष्टि का जो जगत नियंता निराकार परमात्मा को भी संकल्प उठा। जैसे कि हम सभी जानते हैं ना, गीता में पढ़ते हैं, गीता के वायदे अनुसार परमात्मा ने दादा लेखराज के द्वारा सन 1937 में, जो कि एक बहुत बड़े हीरे जवाहरात के व्यापारी थे और शुरू से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, उनकी 60 वर्ष की आयु में निराकार परमात्मा ने प्रवेश कर और स्वयं अपना परिचय दिया। ये पुनः सृष्टि नरक से स्वर्ग बनाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। जैसे कि आज किसी को अगर बैरिस्टर बनना है तो कहाँ पढ़ने जाएगा, लॉ कॉलेज में। डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में। ऐसे ही इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो ये राजयोग की शिक्षा है, इससे मनुष्य देवता बनने की है शिक्षा। तो परमात्मा ने दादा लेखराज के द्वारा ये कार्य शुरू किया। फिर दादा लेखराज ने एक ओम शांति ओम मंडली के नाम से संस्था चलाई। धीरे सारे विश्व में 144 देशों में लगभग भारत सहित 8,500 से अधिक सेवा केंद्र हैं, जो कि देश के कोने कोने में आध्यात्मिक, सामाजिक, मानविक, नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार कर रही है। इस विद्यालय में लगभग 10 लाख से भी अधिक स्टूडेंट अपना इस ज्ञान योग की शिक्षा से अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे। और जिन्होंने ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए, तो जिन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। और प्रजापिता ब्रह्मा, ये ब्रह्मा का अलौकिक नाम मिला जिसके कारण इस संस्था का नाम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पड़ा। इस संस्था की शिक्षाओं को वैश्विक स्वीकृति प्राप्त हुई है और ये यूनिसेफ में ये सलाहकार सदस्य भी है और 5 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय शांतिदूत पुरस्कार भी इसको मिला है।
और ये हमारा इसका जो हेड ऑफिस मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान है, वहाँ समय समय पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है, उसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं, जैसे कि अभी चल रहा है वहाँ ग्लोबल समिट का प्रोग्राम चल रहा है, तो देश विदेश से बड़ी बड़ी लोग आए हुए हैं, तो वहाँ विशेष प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। और इस संस्था की जो बहनी संस्था राज योगा एंड रिसर्च फाउंडेशन है, उसके अंतर्गत 20 प्रभाग बनाए गए हैं, जिसमें युवा प्रभाग, मीडिया प्रभाग, महिला प्रभाग, शिक्षा प्रभाग और ग्राम विकास प्रभाग, जो ग्राम विकास प्रभाग अभी गांव-गांव में जाकर आध्यात्मिक जागृति करा रहे कि कैसे हम आज जो बीमारियां बढ़ रही हैं, तो कैसे हम बिना ये जो खाद डालते हैं और कीटनाशक दवाइयां डालते हैं उसका प्रयोग न करके घरेलू दवाइयों से, घरेलू चीज जैसे नीम की पत्ती, इनसे इनसे बनाकर डालते हैं दवाइयां, तो वो नुकसान नहीं करते हैं। तो ये आध्यात्मिक जागृति दिला रहा है। आज एजुकेशन विंग की तरफ से जगह जगह, क्योंकि आज स्कूलों में जो नैतिक मूल्य की कमी है उसके लिए ये शिक्षा लागू की जा रही है, क्योंकि आज जो ये नशा मुक्त का हम अभियान लेकर चल रहे, इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चे जो 13-14 साल के बच्चे हैं वो इसमें ग्रसित हो रहे हैं, तो उनको बचाना है, क्योंकि जो नशा कर रहे हैं उनको छुड़ाना तो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन करें ही नहीं, उन बच्चों को पहले से ही प्रेरित किया जाए कि तुमको नहीं करना है। इसलिए नैतिक मूल्य की शिक्षा देने के लिए स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा लागू की जा रही है। और उसी में ये हमारा ये एक प्रभाग है, ये मेडिकल विंग, मेडिकल विंग में इसमें सरकार के साथ और ब्रह्मा कुमारीज के साथ एक MOU हुआ है, जिसमें ये रखा गया है कि हम सब सरकार के साथ ये सहयोग करके, सरकार भी हमारी मदद करेगी कि ये व्यसन मुक्त का जो कार्यक्रम है ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिससे कि हम लोगों का ये व्यसन छुड़ा सकते हैं, उसके लिए ये राजयोग बहुत कारगर है, अगर आकर वो रेगुलर यहाँ पढ़ाई पढ़ेंगे तो उनका नशा छूट सकता है। जो माँ बाप आते हैं तो उनको, वो अपने बच्चों को अभी से ये शिक्षा देंगे तो उनके अंदर ये लत नहीं पड़ेगी। और आज माँ बाप तो वैसे तो व्यसन हर एक को है, हम नहीं करते हैं ये नशा, लेकिन और नशा है, चाय का नशा है, मोबाइल का नशा है, इधर उधर बहुत व्यर्थ बातें करने का नशा है, तो इस राजयोग के द्वारा छूट सकता, हम बच्चों का अपने केयर कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत बहुत आवश्यक आवश्यकता है। और यहाँ जो पहले से आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, जो अभी नए आए हो उन सबको एक बार यहाँ तो क्लास करना ही करना है, लेकिन जो हमारा मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान है वहाँ जरूर एक बार आप लोग चक्कर लगा कर आइए, उस स्थान को देख कर आइए, आज ही वो स्वर्ग है। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।